गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे छात्रों। हम सब लोग जानते हैं जो अभी वैश्विक महामारी की जो दौर चल चुका है, इसमें हम लोग को एक दूसरे के साथ आमने सामने हम लोग नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हम लोग शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में जो संबंध बना हुआ था वह कुछ समय के लिए टूट चुका है। फिर भी हम लोग के समय सीमित है और अध्ययन अध्यापन का काम अधिक रह गया है। हम लोग को अधिक पढ़ना लिखना भी है, जिसमें हम लोग इंटरनेट के माध्यम से जो सुविधाएं मुहैया की जा रही है, इसी के द्वारा हम यथासंभव प्रयास करते हैं अब तक पठन के कार्य क्रियाकलाप को, पाठ्यक्रम के क्रियाकलाप को अब तक पहुँचावे। आज का जो शीर्षक है, जमीन की पैमाइश व सर्वे से संबंधित नियम महत्वपूर्ण शब्दावली निम्न है। ओके, जिसमें हम लोग आज सीखेंगे सर्वे में उपयोग में आने वाली जिन जिन शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है उनको हम लोग को बृहद रूप में समझ लेना है। ये CSMM, पहले तो हम लोग मैप को जान लें। मैप CSM, कैडस्ट्रल सर्वे मैप, जिसे हम जानते हैं कैडस्ट्रल सर्वे मैप आपका पहला होगा। हाँ, कैडस्ट्रल सर्वे मैप जिसको जिसका अर्थ होता है CSM, शॉर्ट फॉर्म में जानते हैं, जिसको बृहद रूप में कैडस्ट्रल सर्वे मैप के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरा है आपका RSM, रिविजनल सर्वे मैप या रिविजनल सर्वे नक्शा, जहां रिविजनल सर्वे हो चुका है RSM मैप के नाम से उसे जानते हैं। तीसरा है आपका ब्लूप्रिंट नक्शा, तीसरा स्टेट ब्लूप्रिंट सर्वे, पूर्व के किए गए सर्वे तथा कैडस्ट्रल सर्वे, यदि पूर्व के किए गए सर्वे वही कैडस्ट्रल सर्वे ही होता है, जिसे जिसका मूल आधार मूल नक्शा होता है या प्रतिलिपि को कहा जाता है, जो हल्के नीले रंग से रेखांकित होता है या वर्किंग मैप के नाम से भी जाना जाता है, जिसे ब्लूप्रिंट नक्शा, वाकई में ब्लूप्रिंट नक्शा ही ओरिजिनल नक्शा होता है। अब आते हैं हम लोग खतियान, किस अगला स्टेप आता खतियान। सर्वे में दर्ज पूर्व भूखंडों का ब्यौरा, सर्वे में दर्ज पूर्व भूखंडों का ब्यौरा जिसमें खाता संख्या, खेसरा संख्या, भूधारक का नाम, रकबा तथा जमीन के किस्म का वर्णन तथा अन्य आवश्यक विवरणियों का विवरण उसमें दर्ज होते हैं, उसे हम खतियान कहते हैं। खतियान में हम लोग खाता संख्या को लिखें, खाता संख्या को जाने, प्रत्येक रैयत का एक भूखंडों को ब्यौरा संबंध समेकित रूप से इंद्राज का एक धारक संख्या होता है, जिसे खाता संख्या कहते हैं, यही होल्डिंग संख्या में दर्शाया जाता है। खेसरा, प्रत्येक भूखंड जो कि खतियान एवं नक्शा में अंकित रहता है तथा जिसके बारे में संख्या, रकबा, किस्म आदि ब्यौरा खतियान में दर्ज होता है। सामान्य रूप से कहा जाता है कि खेसरा से अभिप्रेरित है मानचित्र के अनुसार क्रमानुसार संख्याकित भूखंडों की दखलकारों, रकबा तथा भूखंडवार वर्गीकरण दर्शाने वाली सूची ही खेसरा होता है। अगला तेरिज, पूर्व के सर्वे तथा हाल के सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को तेरिज कहते हैं। पूर्व के सर्वे तथा हाल के सर्वे के खतियान का संक्षिप्त रूप को तेरिज कहते हैं। इसमें खाताधारी का नाम, कुल खेसरा संख्या एवं कुल रकबा आदि का वर्णन किया हुआ रहता है, यह तेरिज के नाम से जानते हैं। नवेयत,
नवेयत। जमीन का हक और प्रकार जैसे रयती, सोहरन, यमन आदि प्रकार है। अब हम लोग का एक मुख्य विषय है किस्तवार को थोड़ा बेहद से जान लीजिए। सर जमीन पर पाए जाने वाले प्रत्येक भूखंड का नक्शा रकबा के अनुसार बनाना तथा कृषि के अनुसार भूमि का उपयोग तथा भूखंडीकरण का के आधार पर उसको तैयार नक्शा को किस्तवार कहते हैं। किस्तवार के पश्चात हम लोग जो क्रियाकलाप अभी तक करते आए हैं, जो हम लोग क्लास में भी कुछ सीख चुके हैं और बृहद रूप से बोर्ड में बता चुके थे हम लोग आपको, उसके बाद आपका खाना पूरी की क्रियाकलाप आती है जिसमें एक संख्या सुनिश्चित किया जाता है। इसको इस ढंग से समझिएगा, खाना पूरी को भू सर्वे करने के समय पंजियों में भूखंडों के बारे में विस्तृत ब्यौरा भरने या दर्ज करने की प्रक्रिया को खाना पूरी कहते हैं। खाना पूरी से अभिप्रेरित है खतियान के स्तंभों तथा रैयत का नाम, खेसरा, दखलकार इत्यादि का नाम व वर्णन, सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यान्वयन के प्रारंभिक अभिलेख खंड चरण में भरा जाना जाता है। इसमें एक खाना पूरी के दौरान एक खास संख्या सुनिश्चित होती है। अरे सरहद, किसी ग्राम का सीमांकन यानी सरहद, उसी को कहते ग्राम सीमानी को ही सरहद के नाम से जानते हैं, जो किसी गांव का बाउंड्री लाइन होता है या मोजे का जो बाउंड्री लाइन होता है उसे सरहद के नाम से जानते हैं। अगला है आपका बट्टा नंबर। खाना पूर्ति करते समय किसी संख्या या प्लॉट का नंबर देना छूट जाता है तो उस ग्राम का अंतिम नंबर से यानी उस मैप का या उस मोजे के अंतिम नंबर के ऊपर जिस प्लॉट के बाद नंबर देना छूट जाता है उसी प्लॉट को लिखा जाता है, जिसे बट्टा के नंबर के नाम से जानते हैं, जिसे हम लोग बट्टा नंबर के नाम से जानते हैं। अब समझिए खाता जो है सो दो प्रकार का होता है मुख्य रूप से। एकल खाता, एक ही रेत के नाम से जो खाता दर्ज होता है उसे एकल खाता कहते हैं। दूसरा है आपका संयुक्त खाता, एक से अधिक व्यक्तियों के नाम से जो खाता दर्ज होता है उसे संयुक्त खाता कहते हैं। इन रेतों के नाम के जो आधार पर जो खाता संयुक्त खाता होते हैं वो भी निम्न प्रकार के होते हैं। जो रेती खाता जिसको बोलते हैं रेती खाता तीन प्रकार के होते हैं। कब्जबारी खाता, आपका रेती खाता तीन प्रकार के होते हैं, जिसमें पहला है आपका कब्जबारी खाता, दूसरा अंशधारी खाता और तीसरा है आपका मिश्रित खाता। हम लोग सर्वे के दरमियान जरीब को सब लोग बृहद रूप से जानेंगे, समझेंगे और उसके हर पहलू को विशेष रूप से जानते और समझते चले जाएंगे। जरीब क्या है? जमीन का पैमाइश करने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण उपयोगी संसाधन के रूप में जरीब का उपयोग हम लोग करते हैं। यह जरीब सौ करी का होता है। एक वर्ग जरीब बराबर दस डिसमिल होता है और एक जरीब का मान 100 करी के बराबर होता है और एक करी के बराबर का मान 7.92 इंच होते हैं।
7.92 इंच होते हैं। आज हम लोग सीख रहे हैं, समझ रहे हैं जरीब जो है सो जरीब कितने प्रकार के होते हैं। अगले दिन हम लोग पुनः सीखेंगे जरीब का जो डिजाइन क्या है, जरीब कैसे बनता है, जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुआ होते हैं, वो फुलिया के साथ जुड़ा हुआ होता है, 10-10 के पार ऊपर जोड़ पर होता है, एक एक फुलिया बनता है, उसका मान क्या होता है वो लोग आगे पढ़ लेते हैं। आज हम लोग सीखे जरीब के प्रकार। जरीब निम्न 5 प्रकार के होते हैं, जरीब निम्न 5 प्रकार के होते हैं। गंटरी जरीब, गंटरी जरीब जिसकी लंबाई बस 22 गज के बराबर होती है। पहला है आपका गंटरी जरीब जिसकी लंबाई 22 गज के बराबर होती है, गंटरी जरीब की लंबाई 22 गज के बराबर होती है। दूसरा है आपका सहारन शाहजहानी जरीब, शाहजहानी जरीब जिसकी लंबाई 55 गज के बराबर होती है, शाहजहानी जरीब जिसकी लंबाई 55 गज के बराबर होती है। तीसरा है आपका फरुखाबादी जरीब जिसकी लंबाई 52.5 गज के बराबर होती है, फरुखाबादी जरीब की लंबाई 52.5 गज और सहारनपुरी जरीब की लंबाई 49.5 गज के बराबर होती है। अगला आता फतेहपुरी जरीब 44 गज के बराबर होती है, फतेहपुरी जरीब की लंबाई का 44 गज के बराबर होती है। हम लोग उपयोग में लाते हैं इस जरीब का उपयोग करते हैं विशेष रूप से, उसे गंटरी जरीब कहते हैं। गंटरी जरीब, गंटरी जरीब गंटन नामक अधिकारी, एक अंग्रेज सही शासन काल में गंटन नाम के एक अंग्रेजी अधिकारी थे जिस जिनके नाम पर इस जरीब का नाम पड़ा, गंटरी जरीब। गंटर महोदय जो उच्च पदाधिकारी थे वो बनारस में पदाधिकारी थे, उन्होंने इस जरीब का आविष्कार किया था और मापी का क्रियाकलाप प्रारंभ में गंटरी जरीब से ही किया जाने लगा था, इसलिए इनके नाम पर ही इस जरीब का नाम गंटरी जरीब पड़ा। यह जरीब आपको 100 करी के जुड़ा हुआ होता है, 100 करी के एक गंटरी जरीब 100 करी के बराबर होता है, एक करी का मान 7.92 इंच के बराबर होता है। इसमें 2 हत्थे होते हैं, 3 अंगुलियों पर एक तीन करी के द्वारा हाथ ज्वाइंट, एक करी दूसरे करी के साथ तीन करियों के साथ अंगूठी जो रिंग के द्वारा जुड़ी हुई होती है, दोनों साथ समेटने के लिए और खींचने के लिए और फैलाव के लिए या नापने जोखने के लिए दोनों तरफ हैंडल होते हैं, और हर 10 करी पर एक फुलिया दिया जाता है, एक फुलिया रहता है जिसका मान सुनिश्चित होता है।